आ गए हैं। तो लगभग आपने कुछ खाना हो यहाँ पे और आप खा सकते हैं यहाँ पे। दोस्तों बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देखो दोस्तों क्या बात है। तो बहुत यहाँ पे फ्रेश दूध जो भी होता है सप्लाई होता है, तो कितना प्यार करते हैं यहाँ पे यार पशुओं को भी, बहुत बढ़िया दोस्तों। तो दोस्तों तो आपको पता ही वृंदावन में था, तो वृंदावन में कृष्ण जी जब गोवर्धन पूजा करते हैं तो एक पर्वत उठा लिया था, ये वो वाला शॉट है। तो ये शॉट याद है ना आपको, जब अपना इंद्रदेव ने तो इंद्रदेव ने क्या करा था कि आप इतना घमंड आ गया था, तो फिर कृष्ण जी ने अपना इनका घमंड तोड़ा था, ये सबका शॉट है। ब्यूटीफुल यार, यहाँ पे कैमल भी है। आज तो 30 रुपये की राइड थी, लिखी बताई थी 30 रुपये की राइड से आप जा सकते हैं, बहुत बढ़िया है। लगे लाइन है यहाँ पर। फिलहाल तो रात होगी तो दिखेगा नहीं। दोस्तों बाकी घूमने के बाद मैं यहाँ पे पहुँचा और यहाँ पे अपने भैया के पास गया, और फिलहाल सच्ची 10 रुपये में कुल्हड़ वाली चाय यार अल्टीमेट है। और भैया तो ये भैया लाते हैं क्या ये दोस्तों? तो 10 रुपये में आप क्या लोगे दोस्त? कुल्हड़ वाली चाय तो वैसे मस्त होती है यार, वैसे कहते हैं। तो ये भी भाई अपने हैं, भाई को भी सब्सक्राइब करा दिए चैनल, ठीक है दोस्तों। भाई छोड़ना किसी को नहीं ऐसे है, देखो तो कहीं भी जाओ और सब्सक्राइब जरूर कराना भाई, ये काम तो पहले बना रखे। तो ये भी अपने भाई हैं, बिल्कुल बिल्कुल
सब्सक्राइब भी करना, उनको दोबारा बोलो वीडियो के लिए, बिल्कुल लाइक भी करना, कमेंट भी करना, शेयर भी करना भैया, बिल्कुल दोस्त शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, मेन तो सब्सक्राइब ही है। दोस्तों यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, ये बाहर जाने का रास्ता है पूरा, तो ये रहा बाहर जाने का। तो दोस्तों यहाँ से काफ़ी शांति के लिए जो आप घर के लिए जा सकते हो यहाँ पे, तो पूछना पड़ेगा। और खाने के लिए आपको खाना चाहिए तो खा सकते हैं। दोस्तों ये था अच्छा मंदिर, कैसे है बताना दोस्तों, कैसा लगा आपको, और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, शेयर लाइक सब्सक्राइब करें, शुरू से आकर देखें, और दोस्तों कमेंट्स करना और कैसा लगा अच्छा खाटू श्याम बताना दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे, जय हिंद। बहुत एंजॉय करा यहाँ पे मैंने, और आप जब भी आना एनी टाइम आ सकते हो, और संडे के दिन आ गए, संडे में भीड़ होती है, तो वीकेंड्स में आप आ सकते हो, ठीक है दोस्तों।